अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा, आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो सबसे पहले, और ये इस टाइटल से रिलेटेड ही मेरी जो है वो एक रिएक्शन वीडियो है, तो सबसे पहले चल के इस वीडियो को वॉच करते हैं और देखते हैं इससे हमें क्या आज लेसन मिलता है। आई होप एक अच्छी वीडियो होगी। लेट्स गो, 1, 2 एंड 3। सारा खेल शुरू होगा दोस्तों प्रैक्टिस। यस, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। सारा खेल शुरू होगा दोस्तों प्रैक्टिस से। बात समझ में आ रहा है तो बोलिए हां। प्रैक्टिस क्या होती है जानते हैं? एक ही काम को बार बार करना। कितनी बार करना जानते हैं? जब तक आने ना लग जाए, जब तक आने ना। बड़े बड़े उदाहरण हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच में ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मार दिया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल बड़ा छोटा है, मर्म बड़ा है। एग्जाम्पल यद्यपि छोटा है, मर्म बहुत बड़ा है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मारा इन 2007। तेंदुलकर जब लौट के पेवेलियन जाने लगा, ब्रेड हॉग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि ब्रेड हॉग अभी नया था, नौसिखिया था 12 साल पहले, और तेंदुलकर का विकेट लेना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी किसी बॉलर के लिए। उसने बोल्ड मारा सचिन तेंदुलकर। मैच खत्म होने के बाद ब्रेड हॉग वो बॉल लेके एज अ सोवेनियर सचिन रमेश तेंदुलकर के पास गया और उसने तेंदुलकर को बोला, सर आप इस पर ऑटोग्राफ दीजिए, मेरी जिंदगी का बहुत सुनहरा दिन है आज कि आज मैंने आपको बोल्ड किया है सर। बड़ी खुशी खुशी में वो बॉल लेके गया एक ऑनर के साथ और तेंदुलकर ने उसके ऊपर लिखा, ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। ये दिन बड़ी बात है, तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब तक ब्रेड हॉग और तेंदुलकर इसके बाद खेले, कम से कम 30-35 एनकाउंटर हुए उनके, टेस्ट मैच में, वनडे में, T20 में, इवन IPL के अंदर। ब्रेड हॉग तेंदुलकर की विकेट नहीं ले सका सर। ब्रेड हॉग तेंदुलकर की विकेट नहीं ले सका। मैं एक कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं, मैं आपको कहानी ये इसलिए सुना रहा हूं कि उसने जब बॉल पे लिख दिया होगा ना कि ये क्षण तेरी जिंदगी में फिर नहीं आएगा, ये जाने के बाद वो बियर नहीं पी रहा होगा, पॉपकॉर्न नहीं खा रहा होगा, बर्गर सैंडविच डोसा नहीं खा रहा होगा, एक चीज कर रहा होगा, क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा एक लाइन लिखने के बाद। लिख दिया, अब उसको प्रूफ करना है, उस जैसा बन जा, उस लाइन को प्रूफ करने लायक बनना है उसको। कितनी प्रैक्टिस करी होगी कि इज्जत खराब ना हो जाए। आज आप लिख दो कि अगले 3 साल में इस बिजनेस से मैं 5 करोड़ कमाऊंगा और उस लाइन को प्रूफ करने के लिए अपने आप को जला दो। आप लिख दो और फिर उस लाइन को प्रूफ करने के लिए अपने आप को, मैं कहता हूं, जला डालो। प्रैक्टिस का बहुत बड़ा खेल है, प्रैक्टिस से बड़े बड़े पहाड़ हिट गए। मैं एक कहानी सुना रहा था उस दिन भी किसी को, पाब्लो पिकासो की। पाब्लो पिकासो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पेंटर हुए, MF हुसैन से भी बड़े पेंटर हुए पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो न्यूयॉर्क में एक स्ट्रीट में घूम रहे थे तो एक लेडी उनसे टकराई, उस लेडी ने पहचान लिया, यू आर पाब्लो पिकासो, मैंने आपको पहचान लिया। भागी भागी गई, एक पेपर लेके आई और पाब्लो के हाथ में दिया, सर आप एक बहुत बड़े पेंटर हैं, कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कुछ स्केच ड्रॉ कर सकते हो। उसने एक पेपर लिया, एक पेंसिल लिया और कुछ स्केच ड्रॉ किया उस लेडी के हाथ में, 30 सेकंड में पलट के दिया और उसने बोला, लेडी दिस इज फॉर यू, दिस इज अ पेंटिंग वर्थ 50 लाख रुपीस। दिस पेंटिंग कॉस्ट 50 लाख रुपीस। लेडी को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि हाउ अ पर्सन पेंट अ पेंटिंग इन जस्ट 30 सेकंड्स वर्थ रुपीस 50 लाख्स। तो वो लेडी गई, 3-4 जगह से उसने उसका रेट पता किया, उसने बोला, इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग मैम। उसने बोला, यस इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग, कितने का खरीदोगे? मैडम कम से कम 50 लाख रुपए हम आपके दे सकते हैं इसके। लेडी वाज शॉक्ड, माय डियर
She was shocked. 50 लाख रुपए की पेंटिंग 30 सेकंड में. उसने पता किया पाब्लो पिकासो कहाँ रहते हैं. ढूंढी ढूंढी ढूंढी, एग्जीबिशन कहीं थी पाब्लो पिकासो की. ढूंढते ढूंढते पाब्लो पिकासो के पास पहुंची. सर आपने मुझे पहचाना, मैं वही लेडी हूं, मैं आपको मिली थी, आपने मेरे लिए एक पेंटिंग ड्रॉ करी थी 30 सेकंड में 50 लाख रुपए की. 50 लाख की है सर. उसने बोला यस आई नो, मैंने बनाई है. उसने बोला सर मैं सीखना चाहती हूं 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाई जाती. पाब्लो ने कहा लुक मैम, जो पेंटिंग आपने 30 सेकंड में 50 लाख की बनी हुई देखी, उसको बनाने के लिए मुझे 30 साल लग गए. 30 साल लग गए. इट टुक मी 30 लॉन्ग ईयर्स टू ड्रा पेंटिंग वर्थ रुपीज 50 लाख रुपीज इन जस्ट 30 सेकंड्स. ये कुछ भी कर सकता है सर. अगर आप प्रेजेंटेशन दिखाते रहें दिखाते रहें दिखाते रहें तो इतने महारथी हो जाते हैं इस खेल में कि कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं है. कहानियां भरी पड़ी हैं प्रैक्टिस के समुद्र के अंदर, आप निकाले कहानियां हैं ही हैं. मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है. हॉकी खेल रहे हैं, प्रैक्टिस किसके ऊपर करते हैं, पटरी के ऊपर. जो रेलवे ट्रैक है ना उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं बॉल और स्टिक लेकर, को ऐसे 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 घुमा रहे हैं कि बॉल गिरे नहीं, बैलेंस बना रहे हैं उसका, और मैच खेल रहे हैं. ओलंपिक के अंदर मैच खेलते रहे, लोगों ने स्टिक तोड़ के देखी कि साला इस आदमी का बैलेंस क्या है, ये चिपका चिपका के चलता है कि मैग्नेट लगा है लकड़ी में, क्या है. स्टिक में कुछ नहीं, क्या था, प्रैक्टिस. स्टिक में क्या था, प्रैक्टिस. हाफ टाइम तक एक गोल ना किया. मेजर ध्यानचंद से उसकी टीम ने पूछा ध्यानचंद आज तुझको क्या हो गया, हाफ टाइम हो गया कोई गोल नहीं है, मैच हार जाएंगे. ध्यानचंद ने बोला रोक दो मैच और पता करो, मेजरमेंट करो, ये गोल पोस्ट साला गड़बड़ है, इस गोल पोस्ट में कुछ गड़बड़ है. उसने बोला मेजर कैसी बातें करते हो, आर यू मैड, इट्स ओलंपिक, ये कैसे पॉसिबल है. उसने बोला मैं नहीं जानता. मेजर ध्यानचंद बहुत बड़ा नाम था, तो रेफरी आए, मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट लेके आए, गोल पोस्ट मेजर किया, 2 फुट छोटा निकला. आप जानते हैं इसको क्या बोलता हूं मैं, इतना कॉन्फिडेंस, एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस. प्रैक्टिस से दुनिया में बड़े बड़े कीर्तिमान होते हैं सर, और ये आपको जिंदगी में आसमान तक पहुंचा सकता है. आज मैं स्टेज पर हूं, करीब करीब मुझे 15 बरस हो गए बोलते हुए. पहली बार जब मैं स्टेज पर आया मेरे पैर लड़खड़ाते थे सर, शिवरिंग होता था मुझको. वहीं कहीं कोने में फिक्की ऑडिटोरियम में पहली बार एक अंग्रेज को सुना था, आज से मैंने करीब करीब 18 साल पहले. एक कंपनी थी इंडिया से बाहर की, नेटो मार्केटिंग करती है, नाम नहीं ले सकता. तो वहां बैठा था पीछे, 660 लोगों की सिटिंग थी. मुझे मेरी मासी जी का एक बेटा है, वो मुझको लेके गया उस कंपनी के सेमिनार के अंदर. कहीं पीछे रूम में मुझे जगह मिली, 30 रुपए का टिकट था उसका, मुझे आज भी याद है, 20 बरस पहले, 18 बरस पहले. और मैं पीछे की पंक्ति में बैठ के उस अंग्रेज को सुन रहा था. जैसे ही वो अंग्रेज आया लोग खड़े हो गए, तालियां बजाने लगे, उसकी सीटियां उनके हाथ में थी, विसल करने लगे, झंडे लहराने लगे. मैं वहां बैठा सोच रहा था कि सोनू शर्मा तेरी जिंदगी में कभी ऐसा हो सकता है, तू तो स्टेज पर जाएगा तेरे तो पैर कांपते हैं. मैं शाही आदमी था, बोला नहीं जाता था, बात नहीं करी जाती थी, लेकिन प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस, वहां से यहां पहुंच गए सिर्फ और सिर्फ. और मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ आई कैन डू, इट्स वेरी सिंपल. लोग मुझसे कहते हैं आपने कर लिया, हम नहीं कर पाएंगे. हम बोलता नॉनसेंस, तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो. तो हमने सिर्फ नक्शे पे खरीदा है मकान, तुम्हारे सामने पूरी की पूरी सोसाइटी जगमगा रही है. तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो, माई डिफरेंस. जी फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी. सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज वो ये है कि किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक़ हो या कोई भी स्पेशलाइजेशन कोर्स आप कर रहे हों, प्रोफेशन तब तक नहीं आ सकती जब तक आप उसकी प्रैक्टिस ना करें. तो रिमेंबर, इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के सर्कल में इसको शेयर करें. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी. तो जो मेरे नए फॉलोअर्स हैं या जो नए यूज़र्स हैं जो अभी आए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.